अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉटर्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ स्वीट मसाला कॉर्न की रेसिपी। ये मेरे पास हैं 5 से 6 छलियों के दाने जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। पानी में मैंने डाला है 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच चीनी, ताकि जो है इन छली के दानों में इसका फ्लेवर आ सके। और इसको मैं बॉईल करूँगी 5 से 6 मिनट। ये मैंने कच्ची छलियाँ ली थी। आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के साथ जो है सर्दियों की सारी सब्ज़ियाँ भी आ गई हैं। खैर, मैंने छलियाँ ली, उनको 1 घंटे के लिए बॉईल किया और फिर मैंने उसके दाने अलग कर लिए। अलग करने के बाद अब मैं इसको अगेन बॉईल कर रही हूँ और ये बहुत टेस्टी बनता है। बजाय इसके कि आप इसको फ्रोज़न छली के दानों के साथ बनाएं, फ्रेश छली के दानों के साथ आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। खैर, 5 से 6 मिनट जब ये बॉईल हो गए तो मैंने इनका पानी ड्रेन कर लिया। पानी ड्रेन करने के बाद फिर मैंने इनको देखा कि ये सॉफ़्ट हुए हैं कि नहीं, तो ये बहुत अच्छी तरह ना सॉफ़्ट हो गए थे। एक तो बॉयल होने से सॉफ़्ट हो गए थे, फिर अगेन नमक और चीनी के पानी में उबले तो उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए थे। मैंने इसके लिए लिया 2 टेबलस्पून मक्खन। मैं यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने इसमें मक्खन ही यूज़ करना है, किसी और पर्पज़ का ऑयल, घी, कोई ऑलिव ऑयल, कोई सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो इसका असल टेस्ट आता है ना वो मक्खन से ही आता है। खैर, मक्खन जब अच्छी तरह मेल्ट हो गया तो मैंने इसको डाल छली के दानों को डाल दिया और 4 से 5 छलियों में ना 3 से 4 कप तो छली के दाने आराम से निकल आए थे। और मैंने ये सारे ही ले लिए थे क्योंकि हमारे घर जो है वो बच्चों की थोड़ी सी पार्टी चल रही थी और मैंने उनके लिए ये बनाने थे। मैंने इसमें डाला 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी मिर्च, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें डाली कुटी मिर्च और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला चाट मसाला। और इसमें मैंने 1 नींबू डाला था क्योंकि आपको पता है मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, गले वैसे ही ख़राब है, लेकिन इसमें आप जो है नींबू ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नींबू जो है ना सारे मसालों के फ्लेवर को ना बहुत इन्हेंस करता है और खाने को अच्छा टेस्ट देता है। ये खट्टा इसको ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन आप इसमें जितने भी मसाले डाल रहे हैं ना उनका फ्लेवर एकदम उभर के आ जाएगा। मैंने मॉल में जो बनते देखे थे ना, उन्होंने खाली जो है छली के दानों को मक्खन में फ्राई कर लिया था कॉर्न को और फिर साइड पर डाल के मसाले उसमें मिक्स किए थे, तो मसालों में कच्चापन था, मज़ा नहीं आ रहा था खाने का। और आप यकीन करें, ये जो छोटा सा कप मैं आपको अभी एंड में दिखाऊंगी ना, ये 250 के 290 का वो सर्व कर रहे थे पर कप। खैर, मैंने इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके और कप्स में सर्व करना शुरू किया। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी, ये इतने सॉफ्ट और इतने जूसी बने थे कि मज़ा आ गया था बच्चों को भी खाने का और उन्होंने बहुत इंजॉय की ये वाली डिश। छली जो है वो विटामिन सी रिच होती है, इसमें फाइबर होता है, ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, तो ये बच्चों के लिए वैसे ही बहुत अच्छी होती है। तो ये बच्चों के लिए एक अलग सी डिश बन जाती है जिसे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और आपने बिल्कुल इसी रेसिपी से ट्राई करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे और बच्चे बहुत इसको इंजॉय करेंगे। आप बच्चों का छोटा सा कोई गेट टुगेदर रखें, बच्चों की कोई छोटी सी पार्टी हो, तो उसमें आप इसको डिश के तौर पे ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये एक हेल्दी फूड है जो बच्चों के लिए बहुत आने वाले नए सीज़न को इसकी सब्ज़ियों और इसके फ्रूट को इंजॉय करें, अपने बच्चों को इसकी डिफरेंट चीज़ें बनाकर खिलाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और इस पर कमेंट भी जाते जाते करते जाएं। खैर, थैंक यू मेरे इस पूरी रेसिपी को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।